नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि अपना आधार कार्ड एड्रेस चेंज करना चाहते हैं लेकिन एड्रेस चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको घर बैठे बिल्कुल फ्री में आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना तरीका बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इस वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे सीधा इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। या फिर आप गूगल में क्रोम ब्राउजर में टाइप करें myaadhar.udi.government.in, इसकी वेबसाइट है। सिंपल से टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ उस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दे दूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में नंबर जब तक नहीं ऐड है तब तक आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी आप जो है अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना कैप्चा कोड डालना है। ओके, जो भी आपका कैप्चा कोड दिया गया है वो आप कैप्चा कोड डालेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, समझ नहीं आ रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो है कैप्चा कोड डाल देते हैं। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, कैप्चा कोड फिर से गलत है, फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ दूसरा कैप्चा कोड। इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओटीपी भेजा जा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओटीपी जो है सेंड हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, मैं आप ओटीपी अपना डाल लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी अपना डाल लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद सिंपल से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी जो है डालते ही आधार कार्ड का जो है पोर्टल सर्विस ओपन हो चुका है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जो साइट है थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आधार कार्ड का जो है पोर्टल सर्विस यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट आधार ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं नीचे। इसके बाद आप हमको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलता है, चार ऑप्शन में से आपको जो भी यहाँ पे अपडेट करना है वो कर सकते हैं। नेम में अगर चेंज करना है तो आपको नेम में क्लिक करना है, प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको जेंडर चूज करना है तो यहाँ पे एड्रेस क्लिक है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा पूरा पूरा। हमें क्या करना है, यहाँ पे केस ऑफ। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें केस ऑफ मतलब यहाँ पे अपना नया वाला एड्रेस डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है पूरा एड्रेस फिलअप करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करके यहाँ पे एक मुझे फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे डॉक्यूमेंट्स एक अपलोड करना पड़ेगा स्लिप। इसके बाद यहाँ पे जो है अपलोड करने के बाद मुझे नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही ऑनलाइन आप कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपलोड करते टाइम आपको चाहे आप अपना आधार कार्ड या लाइट बिल आपके पास हो या पासबुक का स्टेटमेंट वगैरह भी हो, आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, चाहे पासबुक सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे फटाफट से अपना एड्रेस भरेंगे। इसके बाद चलिए मैं एड्रेस भर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, भर के इसके बाद अपलोड करके फाइल वगैरह अपलोड कर लेना है।
अपलोड करते टाइम आपको पीएनजी में आपका जो फाइल है वो पीएनजी में होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह दिखा देगा, तो आपको यहाँ पे जो है एड्रेस वगैरह देख लेना है, अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगर आपका सही है तो यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे भी टिक करना है, दो जगह टिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट बोल रहा है करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें पेमेंट करते हैं, मेक्स पेमेंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सीधा रीडायरेक्ट कर देगा, आपको यूपीआई में लेके जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए वॉलेट में जाते हैं अपने, यहाँ पे पेटीएम में करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद जो है यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से पे करते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ पे करने के बाद। ओके, तो जो मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोसीड हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको एक जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा 15 सेकंड वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको एक जो है रिसीविंग मिलेगा आपको। ओके, तो कंप्लीट हो रहा है आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और आपका जो है आपको एक नंबर मिलेगा। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको एक नंबर मिल गया है, और आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एनवायरमेंट नंबर मिलेगा आपको। तो चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे गो टू प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड एनवायरमेंट नंबर, यहाँ पे अभी योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिव्यूज बाय योर बैंक एप्लीकेशन एंड इज करेंटली, यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइम लग रहा है, वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद वैलिडेशन, इसके बाद फिर कंप्लीट होगा, फिर आपका जो जो है वो आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद जो है आपका अपडेट हो जाएगा आधार कार्ड। ओके, तो आपको ये जो है 15 दिन के अंदर अंदर आपका ये आधार कार्ड जो है अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका एड्रेस। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।